चलो शुरू करते हैं क्लास 9 सीबीएसई। टीबीएसई वाले भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूं, तो फिर भी मैं एकदम छोटे छोटे टॉपिक को भी मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग जस्ट ध्यान देकर क्लास को सुनना है, क्लियर? सो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले तो हम लोग एक छोटा सा बात बोल देते हो भाई, ये जो है सोचो ये एक मैटर है। क्या है? मैटर। इस मैटर को अगर हम लोगों ने तोड़ा तो उससे मिलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को अगर तोड़ा तो उससे जो मिलेंगे उसको बोलते हैं एटम। साइंटिस्ट डल्टन ने बोला है कि एटम बोले तोड़ा नहीं जा सकता। हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। डाल्टन ने क्या बोला कि एटम बोले तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन साइंटिस्ट तो ऐसे बैठे नहीं रहते ना, उन लोग रिसर्च के बाद रिसर्च, रिसर्च के बाद रिसर्च, रिसर्च के बाद रिसर्च करते रहते, और रिसर्च करने के बाद उन लोगों को पता चला, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जे.जे. थॉमसन, और जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब एक साइंटिस्ट ने किया था टेस्ट, उसका नाम क्या है? विलियम क्रूक्स। 100% करेक्ट। विलियम क्रूक्स ने सिर्फ ये प्रूफ किया कि गैस के माध्यम से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। यस, विलियम क्रूक्स ने सिर्फ ये बोला, क्या बोला, कि अगर कोई मीडियम गैस है ना, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। पीछे अंदर क्यों हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। जिस ट्यूब से विलियम क्रूक्स ने वो रिसर्च किया था, उसी ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। उसी ट्यूब से एक साइंटिस्ट आया मार्केट में जिनका नाम है जे.जे. थॉमसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान से सुनना, उन्होंने वो विलियम क्रूक्स ने जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया ना, वही ट्यूब, उस ट्यूब में ऐसा एक ट्यूब होता है जो ग्लास का बना हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब जो हम लोग जानते हैं दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें बैटरी से एक में माइनस लगेगा, दूसरे से प्लस लगेगा, तो जिसमें माइनस लगेगा उसको बोलते हैं कैथोड, और जिसमें प्लस लगेगा उसको बोलते हैं एनोड। एनी डाउट? नो सर। अभी देखो, उन्होंने इस ट्यूब को क्या नाम दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। जे.जे. थॉमसन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या क्या बताया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया। कहा गया, ओ ये खोला हुआ है, वेरी गुड, अच्छी बात है। कहा गया, हाँ काम कर रहा है, काम कर। जे.जे. थॉमसन जो है उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने देखा कि इसको हाई वोल्टेज में रखा गया, करीब करीब 1000 वोल्टेज में रखा गया, हाई वोल्टेज में रखा गया। रखने के बाद उन्होंने देखा एयर में जितना प्रेशर है उसके अंदर एयर भर दिया, उन्होंने देखा इसमें कुछ ग्लो नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग ट्यूब जलाते हैं ना, ट्यूब में ग्लो करते हैं ना, तो उसमें इसको ग्लो करना चाहिए था, ग्लो नहीं कर रहा था। तो उन्होंने किया, यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया जिससे उसको एयर को खींचा खींचा खींचा। खींचने के बाद उन्होंने देखा 1
MMSG टेम्परेचर में रखा, टेम्परेचर नहीं सॉरी एयर प्रेशर में रखा, लो एयर प्रेशर में रखा, तब देखा यहां पर जो है ना, यहां पर ग्रीन येलो कलर का एक शेडो, मतलब शेडो नहीं, एक लाइट चमक रहा है, कैसा? ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलो कलर का एक लाइट चमक रहा है। और ये पूरा ये भी चमक रहा है। उसके बाद उन्होंने इस प्रेशर को 1 mm में जो रखा ना, तब ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ था, ये वाला इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये ग्लो कर रहा था। तब उन्होंने इस प्रेशर को पहले कितना रखा था, 1 mm, उसको घटा के ना 0.01 mm में रख दिया। तब देखा ये जो ट्यूब है ना, डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लो करने लगा था, वो तो अभी ग्लो कर ही नहीं रहा है, ब्लैक हो गया, लेकिन यहां पर जो एक ग्रीनिश लेयर था वो बहुत चमक रहा है, वो बहुत चमक रहा है। अभी साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी ना बैठ रहेंगे, साइंटिस्ट दिमाग लगाया ये ग्लो कहां से आया। साइंटिस्ट ने सोचा, साइंटिस्ट यहां पर पहले से एक ZnS जिंक सल्फाइड लगाकर रखा था, पहले से साइंटिस्ट ने इस टेस्ट ट्यूब में, इस डिस्टर्ब ट्यूब में एनोड के बगल में क्या लगा के रखा था, जिंक सल्फाइड लगा के, सल्फेट नहीं, जिंक सल्फाइड, सल्फेट तो जिंक सल्फेट ZnSO4 होगा, ZnS लगाया। तब उन वो जानते हैं कि उनका एक, देखो हर किसी का एक टारगेट होता है ना, उनको तो मालूम था कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा, तो उनको पहले से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अगर आयोडीन डाल दे तो वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है, क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट वेदर इन ए फूड इज हैविंग कार्बोहाइड्रेट और नॉट, इफ वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन देन द इफ इट इज हैविंग कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इट विल द कलर विल टर्न्स इनटू ब्लू और ब्लैक। ये तो लिटमस कलर का ब्लैक और लिटमस। अच्छा, सो उनको पहले से मालूम था कि ZnS के ऊपर अगर कोई चार्ज जाके टकराता है, क्या ZnS के ऊपर अगर कोई चार्ज जाके टक्कर मारता है तो वो कुछ फ्लोरोसेंट कलर, मतलब कुछ कलर से चमकेगा, कुछ कलर से चमकेगा। तो इसीलिए पहले से वो ZnS लगा हुआ था, ZnS ऐसे नहीं चमक, मतलब वो ग्लो करेगा, जब उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल आके धक्का मारेगा तब ये ग्लो करेगा। इनको पहले से ये पता था और इसलिए वो लगा कर, जब वो ये देख गया ना, उनको खुशी आ गया, अच्छा तो फिर मतलब यहां पर कुछ चार्ज जाके टक्कर मारा, इसीलिए वो ZnS जो पहले कलरलेस था वो अभी ग्लो कर रहे, फ्लोरोसेंट कलर से ग्लो कर रहे। ये सन्ना अभी वो साइंटिस्ट खुश हो गए। अभी साइंटिस्ट दिमाग थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई, हम लोग जानते ये तो एनोड है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो एनोड यहां पर अगर पॉजिटिव होता तो इसको रिपल कर देता ना, रिपल कर देता ना, यहां सोचो अगर पॉजिटिव अगर आता तो इस चार्ज तो आके आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो रिपल कर देते थे। ऑब्वियसली यहां पर कौन आया, यहां पर कौन आया, नेगेटिव चार्ज आया। सो उन्होंने कॉमन सेंस लगा के बोल दिया यहां से जो रे यहां पर जो आया वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो नेगेटिवली, क्योंकि पॉजिटिवली अगर होता तो रिपल कर देता ना, ये ग्लो करता ही नहीं ना, सो ऑब्वियसली यहां से क्या आया, नेगेटिव। फिर भी उसको और थोड़ा ताजा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इधर से प्लस लगा दिया, इधर से एक बैटरी का प्लस कनेक्ट कर दिया और इधर से बैटरी का माइनस कनेक्ट कर दिया। तो देखा ये जो आया ना वो यहां पर फ्लोरोसेंट कुछ लगा दिया, देखा यहां पर ब्लू अभी ब्लू कर रहे, मतलब क्या प्लस पे वो अट्रैक्ट कर रहे, तो मतलब क्या है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। एनी डाउट, क्लियर? अभी ये किनका एक्सपेरिमेंट था, तो जेजे थॉमसन ने विलियम्स क्रूक्स का जो ट्यूब से उसी ट्यूब में सेम एक्सपेरिमेंट किया, पहले वो नॉर्मल उसमें रखा, किसमें रखा, नॉर्मल प्रेशर में रखा, एटमोस्फेरिक प्रेशर में रखा, कुछ काम नहीं होता,
मतलब एटमोस्फियरिक प्रेशर में एयर आयनाइज्ड नहीं हो सकता, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं कर पा रहा था। और जब उसको प्रेशर को कमा दिया गया तब उसके अंदर आयन जनरेट हो सकते हैं और उस आयन उसको कैरी करके ले जा सकता है। जब उन्होंने उसको और कम कर दिया, देखा यहां पर पार्टिकल अच्छी तरह से आ रहा है तार, इसका मतलब यहां से कुछ ना कुछ निकल रहा है। सो मतलब जो डाल्टन ने बोला था एटम तोड़ नहीं जा सकता, तो भाई इलेक्ट्रॉन से क्या निकल रहा है, तो फिर समझ में ना क्या निकल रहा है, तो फिर ओके। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने डिस्कस किया बहुत तरीके से, देख के लगा कि वो निगेटिवली चार्ज्ड है। बाद में इसका नाम दिया गया कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन। उस पार्टिकल जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से जो रे है उसका तो नाम कैथोड रे है, लेकिन जो पार्टिकल निकल रहा है उस पार्टिकल का नाम को दिया गया इलेक्ट्रॉन। सो अभी जाके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, किसने किया? जे थॉमसन। उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन का और उनका नाम भी दिया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अभी साइंटिस्ट लोगों का फिर से और एक साइंटिस्ट का माथा घूम गया। बोलते अगर इसमें अगर एक एटॉम नॉर्मली स्टेबल है, यानी ना वो प्लस है ना वो माइनस है, न्यूट्रल है, तो फिर रे थॉमसन ने तो बोल दिया, सर थॉमसन ने तो बोल दिया उनके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा ही होगा जो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो थॉमसन ने, अरे गोल्डस्टाइन ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देखो गोल्डस्टाइन ने उसी ट्यूब को यूज किया, प्लस उल्टा इस नहीं इसी में प्लस लगाया, देखो प्लस एनोड या कैथोड माइनस, पहले इसको बंद रख देते हैं, ठीक है इसको ऐसे। क्लियर? उन्होंने क्या किया, अभी तो उनको उन्होंने उस वक्त किधर रखा था, इधर ZNS लगाया था, अभी तो उनको इधर से तो निकल रहे तो पता ही चल गया ना, मतलब इधर से तो निकल रहे तो इसलिए इधर नहीं लगाया, अभी इधर लगाया। क्या लगाया? जिंक सल्फाइड लगाया, तो इधर अभी वो ZNS लगाया, सेम हूबहू सेम उनके, उन्होंने जैसा किया था हूबहू सेम। तब देखा ये ग्लो नहीं कर रहे, तब देखा वो तो उसका मतलब उन्होंने लगा वो तो फिर कैथोड से, अरे एनोड से कुछ निकल ही नहीं रहा, ऐसा है क्या? अगर निकलता, और हम लोग जानते हैं में कुछ चार्ज पार्टिकल अगर टकराता है वो ग्लो करने लगता है, तो फिर यहां से जो निकला यहां पर ग्लो क्यों नहीं कर रहे, इधर तो लगा तो ग्लो कर रहा है, नहीं वो प्रेशर प्रेशर सब सब ठीक था, बोला ना सेम 0.01। तब गोल्डस्टाइन ने क्या किया, थोड़ा बुद्धि लगाया, बोलते हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो था वो जो बहुत छोटा था, उसका मास बहुत कम था, वो शायद इसको पार कर कर इधर जाके लग सकता था, और ये शायद थोड़ा बड़ा है जिस कारण उसको पार नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसमें इसीलिए तो उन लोगों को साइंटिस्ट कहते हैं ना, इसमें थोड़ा सा होल कर दिया, और अभी देखा वो ग्लो कर रहा है, सेम टू सेम सेम सिचुएशन। तो मतलब क्या है, वो जो हाथ से अभी देख लिया ग्लो कर रहा है, मतलब वो हाथ से कुछ आया जो ये ग्लो कर रहा है, और पहले होल करने के कारण ना करने के कारण ये इसको पार नहीं कर सकता था, अभी होल कर दिया ये पार कर। सो इसका नाम दिया एनल रे, सॉरी कैनल रे, क्योंकि कैथोड से आया और उसका और एक नाम है एनोड रे, एनोड से निकला इसलिए एनोड रे, ये कैथोड का होल से निकला इसलिए कैनल रे, और एक नाम जिनका नाम है प्रोटॉन। समझ में आया? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं अभी इतना कुछ नहीं बोलूंगा, तो अभी हम लोग चलते हैं मास के बारे में। जो प्रोटॉन लोकेशन कहां पर है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये बाद में पता चला हम लोगों को। प्रोटॉन का जो चार्ज है ना, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस का है, वो हम लोगों ने पता चला ना प्लस है,
1.602 into 10 to the power minus 19. 1.602 into 10 to the power minus 19. कॉलम कॉलम चार्ज का यूनिट कॉलम याद कर लेना प्लस 1.602 into 10 to the power minus 19 का मास जो है ना वो 1.67 into 10 to the power minus 24 ये ना की बराबर है क्लियर एनी डाउट इसमें गलत आया ये तो गलत आ गया उसका मास का मात सीखो हाँ मास का मैं बाद में बोल दूंगा अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम ही है चार्ज सेम होगा तो भी तो लेकिन इसकी ये पहले प्लस होगा ये माइनस होगा एनी डाउट नो चलो भाई अभी हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर क्या होता है एटॉम्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ सबएटॉमिक एक्चुअली 35 सबएटॉमिक पार्टिकल है बट इन आवर सिलेबस वी विल डिस्कस अबाउट ओनली थ्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एटॉम हैव थ्री टाइप्स ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल्स दे आर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 द मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम का जितना मास होता है उसके 2000 भाग का एक भाग करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आएगा द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम मतलब इसे 2000 गुना ज्यादा हाइड्रोजन एटम के बराबर है और इलेक्ट्रॉन का क्या है हाइड्रोजन एटम का मास जितना है उससे 2000 गुना 2000 डिवाइड करके एक भाग वो है इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन एटम का मास जितना होता है एक इलेक्ट्रॉन अरे प्रोटॉन का मास इतना होता है टेकन वन यूनिट द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम एंड इट इज टेकन एज वन यूनिट डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन 1900 यार साल याद रखना जरूरी है 1900 जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम एज आई शोन यस और नॉट इन 1886 ई गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनल रे दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज दिस लेटर लेट टू लेटर बाद में एक्सपेरिमेंट पहले हो गया बाद में उसका नामकरण किया गया जो उसका नाम है प्रोटॉन इन 1932 अभी न्यूट्रॉन नहीं गया ना न्यूट्रॉन का डिस्कवरी अभी तक नहीं हुआ ना अच्छा एटम का एक एटम में अभी तक क्या डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास जितना होना चाहिए था उतना ही तो एक एटम का मास होना चाहिए ना लेकिन देखा गया एटम का मास उससे बहुत ज्यादा है तब और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सेडविक उन्होंने डिस्कवर किया इन इलेक्ट्रॉन में अरे एटम में और एक पार्टिकल्स है जो चार्जलेस है लेकिन मास है उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन एनी डाउट नो सर अभी आया अभी तो भाई डिस्कवरी हो गया अभी वो एटम रहते कैसे वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो रहते कैसे इसको बोलते पहले जो साइंटिस्ट जो मॉडल दिया उनका नाम है जे जे थॉमसन मॉडल्स थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम उन्होंने बोला ये एक पंपकिन की तरह है सॉरी नॉट पंपकिन वाटरमेलन वाटरमेलन की तरह है जैसे कि एक वाटरमेलन में जो फ्लैशी वाला पार्ट होता है वो जैसे कि उसका फंडामेंटल मतलब प्रेजेंस है उसी तरह से एक एटम बोले पूरा के पूरे मतलब प्रोटॉन उसका फंडामेंटल वो है मेन है सो मतलब वो मैंने पिक्चर लिया हुआ हूं देखो अगर इस वाटरमेलन का ये फ्लैशी वाला पार्ट आप देखो तो उसको बोलते हैं प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज और इसमें जो सीड्स है जो स्कैटर्ड है वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे रहते हैं उन्होंने बोला किसने बोला थॉमसन ने बोला समझ में आया yes, यानी एक एटम ले यानी एक एटम लो उसके अंदर पंपकिन सॉरी बार बार पंपकिन आ जाए क्या देना उसको वाटरमेलन का जो फ्लैशी वाला पार्ट है जो हम लोग खाते हैं उसको बोलते प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज उसमें जो सीड्स है वो मतलब स्कैटर्ड होके रहते हैं इस रिसर्च को सब लोगों ने माना भी अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज सिमिलर टू ए क्रिसमस पुडिंग द पुडिंग हैड पॉजिटिव पुडिंग पता ना केक है ना yes. so, उसमें जो क्या होता है पुडिंग बादाम वगैरह हाँ तो केक के ऊपर जो पुडिंग होता है
वो क्रिसमस केक ले लो, वो केक होता है क्या? पॉजिटिवली चार्ज। और पुडिंग होता है? नेगेटिवली चार्ज। समझ में? एक तो पुडिंग और एक है वाटरमेलन। क्या देखो वो लोग भी, उन लोग भी सिखाने की हम लोग को कितनी कोशिश किया ना, लिंक लगाया किंतु। ओके चलो, चार्ज बाय द पंप ऑन द पुडिंग, ही प्रपोज्ड दैट एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। मतलब एक एटम पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ है और उसके ऊपर एम्बेडेड है, मतलब जुड़ा हुआ है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने ये भी बोला कि जेतु जितना मात्रा में प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये किसने बोला? थॉमसन ने बोला। दो मॉडल दिया, नाम क्या है? एक है वाटरमेलन मॉडल और एक है क्रिसमस पुडिंग मॉडल। समझ में आया दोनों को? समझ में आया? नेक्स्ट, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया मार्केट में जिनका नाम है रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया, एक इस तरह सा बॉक्स लिया जिसको हम लोग लीड बॉक्स बोलेंगे, उसके अंदर एक अल्फा रे रे रखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्फा रे। अल्फा रे होता है एक्चुअली हीलियम 2+। अच्छा, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। यानी हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। प्रोटॉन कितना है? 2। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वो क्या बनेगा? 2+ बनेगा ना। yes, तो जब तब उसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। समझ में? तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम ही होता है, लेकिन जब वो हीलियम उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके सेल में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर छोड़ देते हैं, देन इट विल बिकम हीलियम 2+। मतलब अल्फा पार्टिकल्स। तो मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। यस और नॉट? 2+ है। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। यस और नॉट? अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड का फॉयल लिया, फॉयल बनाया उसको, फॉयल मतलब पतला थीन बना दिया, और उसके चारों ओर एक ZnS लगा दिया। क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड लगा दिया, और इधर से थोड़ा सा रख दिया गया, और उसके बाद उन्होंने किया यहां से अल्फा रे छोड़ रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड अल्फा छोड़ रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को भाई प्लीज। उन्होंने देखा इसके ऐसा नहीं है किंतु सिर्फ यहां जाके गिर रहा है, हर जगह जाके गिर रहा है, गिर के इधर हीट कर रहा है, पूरा ग्लो कर रहा है। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्यों किया? वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने, ऐसा नहीं है कि थॉमसन का जो मॉडल है उनको खराब बोलने के लिए, उन्होंने थॉमसन का मॉडल को मान के ही है, वो फिर भी उसका एक स्पेसिफिक वो देना चाहते थे। क्या देना चाहते थे? मतलब वो कैसे एक्चुअली रहते, कैसे वो लोग। उन्होंने तो बोल दिया कि एक वाटरमेलन मॉडल एंड क्रिसमस पुडिंग मॉडल, लेकिन फिर भी उसको और थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए रदरफोर्ड ने और एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक गोल्ड फॉयल को लेके ऐसे ऐसे किया, लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो क्या है, ऐसे गया है, क्या हो रहा है पता है? इधर से भी जा रहा है, जितना जा रहा है वो मैक्स टू मैक्स सीधा जा रहा है, डिविएट नहीं हो रहा है। डिविएट मतलब पता है, कर्व नहीं हो रहा है, जितना जा रहा है सीधा जा रहा है। मतलब सोचो लाखों करोड़ों में एक रे है जो 90, मतलब ऐसे जाके ठकाश करके लौट के आ रहे, बाकी सारे के सारे इधर जा रहे हैं, लग जा रहे हैं, 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 सारे के सारे, बहुत सारे में से, करोड़ों में से एक रे सोचो लौट के आ रहे हैं। उन्होंने बुद्धि लगाया, कॉमन सेंस। अच्छा, जे.जे. थॉमसन ने तो बोला था कि पूरे जगह पर प्रोटॉन फैला हुआ है, यह समझो, अल्फा पार्टिकल भी प्लस है, प्रोटॉन भी प्लस है, तो अगर ये गया यहां पर, अगर क्या है, सारे जगह पर अगर क्या है,
प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस 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 ऐसे तो बोला था जे थॉमसन ने, ऐसा अगर स्कैटर्ड है तो अल्फा पार्टिकल भी प्लस है, ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेगा, ये बंदा तो इधर जा ही सीधा तो जा ही नहीं पाएगा, ये सब सोचो मैं चल रहा हूं, ये मैं प्लस हूं, इधर एक बंदा खड़ा हुआ है वो भी प्लस है, इधर एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं ऐसे गया वो मुझे रिपल करेगा ढकाश, मैं इधर चले गया वो मुझे रिपल करेगा ढकाश, मैं और जाने की कोशिश करूंगा ढकाश, ऐसे 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 मैं जाऊंगा तो मैं डिबेट कर जाऊंगा ना बहुत डिबेट कर जाऊंगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। ये जो रिसर्च है वो हमारे जो थॉमसन सारे वो उनके दोस्त जो है सॉरी रदरफोर्ड जो है वो ऐसा नहीं कि उनको देख नहीं सकते, ऐसा नहीं सर जी आपने तो बोला था कि चार्ज पार्टिकल्स पूरा फैला हुआ है पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव है तो मैं तो भाई प्लस भिजवा रहा हूं ना, तो उन लोगों को टक्कर लगा के वो लोग तो डिविएट करना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर तो सीधा जा रहा है। तब बोला, तब थॉमसन ने भी बोला हाँ बात तो सही है, अल्फा पार्टिकल तो प्लस है, और अगर पूरे में अगर इलेक्ट्रॉन अरे प्रोटॉन फैला हुआ है वो भी प्लस का है, तो जाके टक्कर लग के वो दारू के नशा करने वाले लोगों की तरह इधर उधर हिलते डुलते जाके इधर गिरता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो थॉमसन ने बोल दिया अच्छा छोड़ो मेरा मॉडल गलत है, मान लिया। अभी रदरफोर्ड एक मॉडल दिया, उन्होंने बोला कि प्रोटॉन जो है वो एकदम बीच में रहते हैं, बीच में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे 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 घूमते रहते हैं। यानी रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो प्रोटॉन सेंटर, इसलिए वो एक दो बहुत सारे में से एक दो जगह टकाश कर दिया गया, यहां पर क्या पूरा पूरा मिल के एक एटम है क्या, बहुत सारे एटम है ना, तो ज्यादातर खाली जगह मिला ना उनको, छोटा 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 न्यूट्रॉन में जहां पर ये प्रोटॉन मिला वो लौट के आ गए, यहां पर भी प्रोटॉन मिला लौट के आ गए, लेकिन मैक्सिमम चले जा रहे। सो अगर सारे में एटम इसमें जितना इसमें करीब 1000 एटम था शायद ना 2000 यानी एटम था इसमें, इसको एकदम पतला बनाया, इनमें से बहुत कम रहे लौट के आ रहा था, बाकी सारे चले जा रहे थे। तब उनके उन्होंने सोच लिया कि प्रोटॉन जो है जो प्लस वाला चार्ज है वो सेंटर में रहेंगे, बाकी सारे के सारे बंदे यानी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड रहेंगे और घूमते रहेंगे प्लेनेट की तरह, समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, Rutherford allowed a beam of first moving alpha particles having positive charges to fall on a thin gold foil. He observed that most of the alpha particles passed straight through the gold foil. Some of the alpha particles were slightly deflected by small angles and very few alpha particles appeared to rebound. ऐसे लौट किया था, मैक्सिमम तो ऐसे चले जा रहे, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिबेट हो रहे, बहुत ही कम पूरा लौट के आ रहे। उसके बाद मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, सीधा चले गए, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सॉरी अल्फा पार्टिकल्स बाउंस ऑफ न्यूक्लियस। एनी डाउट? नेक्स्ट देखो, सारे के सारे बंदे सीधा चले गए है ना, सारे के सारे चले गए, और यहां पर एक दो डिबेट हुआ एक तो, उन्होंने किया दिया वो वाला मॉडल। कंक्लूशन फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, एम्प्टी है। द एटम हैड ए स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिवली चार्ज वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, समझ में आया? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, पूरे एटम के साइज में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि इसीलिए तो बहुत सारे स्टेट में जा रहा था ना। अगर सोचो एटम ही इतना बड़ा होता, मतलब इतना बड़ा होता और उसमें प्रोटॉन इतना बड़ा होता, सारे के सारे धक्काश 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 आ जाते, ये समझो। अभी है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स center and most of the mass of the atom in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in different orbit. Electron alag alag orbit mein aise ghumte rehte hain. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom.
एटम के साइज से तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत कम है। अभी तुम्हें क्या लगता है, लोग उस समय भी लोग स्मार्ट थे ना, वो लोगों ने पूछ लिया, अच्छा भाई आप एक बात बताओ, अगर वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते ना, घूमते रहते करके घूमते रहते, वो तो एनर्जी लॉस होता। अभी उन्होंने बोला कि तो फिर अगर घूमते रहते तो फिर इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर आके ऐसे गिरता क्यों नहीं है, नहीं समझे? उनका भी सुंदर सा आंसर दे दिया रदरफोर्ड ने, बोलते हैं प्रोटॉन उसको, देखो कितना सुंदर से समझ आएगा, प्रोटॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, कौन बोला? रदरफोर्ड ने। लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज, तो गिर के आता क्यों नहीं है इधर? रदरफोर्ड ने बोला भाई ये तो इसको खींच रहा है, लेकिन ये जो घूम रहा है ना उसके अंदर सेंट्रिपिटल एक फोर्स, हम लोग जो वैसे घुमाएंगे कोई रस्सी को तो उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सुन रहा, मतलब जो यानी उसके टेंजेंट बराबर होता है, टेंजेंट बराबर, ये टेंजेंट बराबर उसका होगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए वो जन्म है। लोगों ने मान लिया, वाह बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। आप ही ऑल लोगों ने क्वेश्चन किया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आपने बोला, लेकिन जब ये घूमेगा ऐसे ऐसे आपने अपने ऐसे ऐसे सेल में, तो वो एनर्जी लॉस करेगा, तो एनर्जी लॉस करेगा मतलब क्या है, वो धीरे धीरे एनर्जी उसका कम होते जाएंगे, तब तो वो स्पाइरल ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस में आना चाहिए था। इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं दे पाया, इसका एक्सप्लेनेशन, सो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, एनी पार्टिकल्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, यानी छोड़ देगा एनर्जी को, सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम्स वुड बी अनस्टेबल, वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल, तब तो एटम्स अनस्टेबल होना चाहिए था, तो स्टेबल है, तो ऐसे बोल रहे लोगों बोल रहे तो घूम घूम के एनर्जी लॉस लॉस कर 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 इस पार्ट की गिर जाएगा, प्रॉब्लम है ना। तब इनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दे पाए, तब इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए और एक साइंटिस्ट मार्केट में आ गए जिसका नाम है बोर्स, नील्स बोर्स। उन्होंने बोला रदरफोर्ड ने जो बोला वो 100% सही है, जस्ट उन्होंने सिर्फ एक चीज ऐड कर दिया, बोला कि उन्होंने ऑर्बिट का अलग अलग नाम दे दिया, पहले ऑर्बिट का नाम दिया के शेल, सेकेंड ऑर्बिट का नाम दिया एल शेल, एम एन ओ, इस तरह सा नाम दिया, और बोलते हैं कि सबसे नजदीक में जो शेल है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, जितना ऊपर चले जाएंगे एनर्जी लेवल उतना बढ़ते जाएंगे, नाम दिया 1 2 3 4 एनर्जी लेवल 1, यानी न्यूक्लियस के नजदीक में जो होगा वो एनर्जी लेवल सबसे कम है, यानी इसमें जो होगा वो उसका एनर्जी लेवल हर वक्त कांस्टेंट रहेगा, वो इसको खींच रहा है घूम रहा है वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है सेम एनर्जी से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कभी अगर उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, उसने अगर कभी एनर्जी गेन किया तो क्या होगा, वो इस शेल में चले जाएंगे, अगर सोचो इसने अगर कभी एनर्जी गेन किया अरे लॉस किया तो इस शेल में चले जाएंगे, समझ में आया क्या? ऐसा नहीं है क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लॉस या गेन नहीं करेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स टाइम क्या होता है, उनका एनर्जी अपने अपने ऑर्बिट में कॉन्स्टेंट है, इसीलिए वो गिर के नहीं आता। सो ये दिया, एन एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन सब का नाम है ऑर्बिट, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स, उसको शेल्स भी बोला जाता है, किसने ने पूछा था एनर्जी शेल क्या ना क्या कुछ पूछा था, अभी क्लास शुरू होने से पहले तुम दोनों में से पर बोला था शेल के बारे में पूछा था, नहीं शेल पूछा था, शेल पूछा था मुझे पूरा याद है, ओके हाँ, तो ये है शेल, एक एक ऑर्बिट जो है ये है शेल,
Levels are represented by the letters K, L, M, N, O, P, like that, and etc. are numbered and 1, 2, 3, 4, etc. While revolving the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. मैंने बोला था वो लोग अपना energy radiate नहीं करेंगे, constant रहेंगे, इसलिए वो आके नहीं गिरता. ये explanation दे दिया Rutherford के साथ, इसको जोड़ दिया और ये अब तक का success model है. जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यही इसी model से है. उन्होंने जो model दिया, first cell में electron रहेगा 2, उसके बाद वाले सेल में रहेगा 10, उसके बाद वाले सेल में रहेगा 18. हाउ? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर. 2n, n मतलब ऑर्बिट नंबर. 8. तो क्या होगा? पहले वाले में 2 इंटू n, n कितने? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 टू 4, 4 टू 8. 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 थ्री 9, 9 टू 18. 2 into 4 square, 4 4 are 16 into 32, like this. Any doubt? No, so, ye ab tak ka successful model abhi tak ka raha. Any doubt? No, distribution of electron in different shells. The distribution of electrons in the different shell was suggested by Bohr and Woody. The following are the rules for the filling electron in the different shells. The maximum number of electrons in the shell is given by the formula 2n square. Where n is the number of the shell, 1, 2, 3, etc. First shell or K shell, can we be? Whatever about the calculation, it's already given over there. The maximum number of electron that can be filled in the outermost shell is 8. हम लोग last chapter में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. कोई भी outermost cell में maximum जो electron रह सकता है वो है 8 electron. Clear? Electron cannot be filled in a shell unless the inner shell are filled. इनर्शियल अगर फुलफिल ना करके आउटर मोस्ट सेल में आप नहीं आ सकते हो. देखो यहां पर बहुत सारे कुछ का दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है ये. अच्छा, उसके बाद हम लोग एक डिस्कशन करेंगे. सोचो एक सेंटर में क्या रहते हैं? न्यूक्लियस. एक सेंटर में रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. उसके बाद में रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन. उसके बाद में रहते हैं और भी इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? यस सर. अच्छा, सो इलेक्ट्रॉन नंबर को हम लोग समझाते हैं, सॉरी जेड से समझाते हैं एटॉमिक नंबर. ठीक है, वो देखो उसका कैसे होता है. वैलेंसी, वैलेंसी न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, एटम. हाँ, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से बोलते हैं. तो लिखते कैसे उसको? सोचो, सोडियम. सोडियम का होता है यह होगा एटॉमिक मास क्या है उसका? एटॉमिक नंबर क्या है? सर 11. 11 और उसका वो क्या एटॉमिक मास क्या है? 23. उसके बाद होता है जैसे कि कार्बन का होता है 6 एंड 12. अच्छा, तो प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. समझ में आया? Yes, एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट? प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन नंबर. अगर सोचो तुम्हें नंबर दिया गया, एटॉमिक मास है 23 और इलेक्ट्रॉन नंबर है सॉरी एटॉमिक मास है व्हाट? 23 और एटॉमिक नंबर है 11. तो कैन यू प्लीज फाइंड आउट द न्यूट्रॉन नंबर? 12. न्यूट्रॉन नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? एटॉमिक मास. तो इधर किया लगा कि एटॉमिक जगह पर एटॉमिक मास के जगह पर 23 इज इक्वल टू प्रोटॉन के जगह पर प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर सेम बात है. yes, sir. क्या लिखोगे? 11 प्लस n. सो n इज इक्वल टू व्हाट होगा? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12. समझ में आया? लाइक दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन नंबर एज वेल एज व्हाटएवर यू वांट. क्लियर? यस सर. अभी बैलेंस क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आप लोग सब लोग जानते हो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन. और जितना लेने और छोड़ने से, हमने वो लास्ट चैप्टर में अच्छी तरह से समझाया होगा, जितना लेने और जितना छोड़ने में वो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं उसको बोलते हैं बैलेंसी. क्लियर? यस सर. समझ में आया ना सबको? यस सर. ओके. द वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन
atom are called valence electron. If an atom's outermost shell is completely filled, they are inert or least reactive and their combining capacity or valence is zero. जैसे कि helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. ये सब सारे क्या है? Inert gas. Inert gas है. समझ में है ना? Yes. So हर कोई वो है ना atoms है ना, सारे के सारे atom या तो outermost shell में 8 बनाना चाहते हैं या तो 2 बनाना चाहते हैं. वो लोग inert gas की तरह behave करना चाहते हैं. Inert gas कौन-कौन है? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Helium का outermost shell में 2, बाकी सबका 8. तो हीलियम छोड़ के बाकी सबका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी डुप्लेट, जिसमें दो दो आउटर में सेल में दो रखे उसको वो स्टेबल खुद को करेंगे, उसको बोलते हैं डुप्लेट. ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट मतलब आउटर में सेल में 8 बनाएगा. क्लियर? इफ एन एटम्स आउटर मोस्ट सेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इट इज नॉट स्टेबल. इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी by losing or gaining or sharing electrons with other atoms to attain octet configuration. जैसे कि sodium का, जैसे कि sodium का electron arrangement क्या होगा? 281. 281. तो 281 अगर होगा तो वो क्या करेगा? एक lose करेगा. So 28 हो जाएगा. तो octet बना दिया. Octet मतलब outer ring cell में 8 बनाएगा. Clear? Yes sir. Hydrogen, lithium, sodium atoms and can easily lose one electron and because stable and become stable, so their valency is 1. Magnesium can easily lose 2 electrons, so its valency is 2. Aluminium can easily lose 3 electrons, so its valency is 3. Carbon shares 4 electrons, so its valency is 4. Fluorine can easily gain 1 electron, so its valency is become stable, so its valency is 1. देखो, छोड़ के भी वो stable हो सकते हैं, gain करके भी stable हो सकते हैं. जानते हैं ना हम लोग? ये तो पढ़ चुके हैं. Okay, very good. देखो, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं. क्लियर? सो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि सोडियम, जैसे कि एक नंबर लिया, सोचो कुछ भी एक्स, और यह लिखेंगे ए, यह लिखेंगे जेड. जेड का मतलब है एटॉमिक मास, ए का मतलब है एटॉमिक नंबर. जेड का मतलब एटॉमिक नंबर. सॉरी, हां, ये होगा ए, ये होगा जेड. समझ में? ये हो गया एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मतलब या तो इलेक्ट्रॉन नंबर या तो प्रोटॉन नंबर. क्लियर? एनी डाउट? जो एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका यहां पर, द मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट. द मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम. कार्बन का मास कितना है? 12. यानी 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 यू. एल्यूमिनियम का मास कितना है? 27. 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स इज 27. तो समझ में आया? सो सेंटर में क्या रहते हैं भाई? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन. एक नंबर सेल में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. दो नंबर सेल में क्या रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन. तीन नंबर सेल में कितना रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन. वो कैसे पता चला? 2n स्क्वायर फार्मूला. एनी डाउट? नो सर. 2n का मतलब है 1, माने एक नंबर सेल 2 * 1 स्क्वायर यानी 2. तो फिर इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन मैनेज अरेंजमेंट करेंगे तो सोडियम का कितना होना चाहिए? 2. सोडियम का 11 है, 11 को तोड़ोगे तो पहले सेल में कितना रहते? 2. दे दो 2. सेकंड सेल में कितना रहना चाहिए? 8. कितना बचा? 2 तो तुमने दे दिया, और कितना बचा? 9. तो 9 तो दे नहीं सकते हो क्योंकि सेकंड सेल में मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा? 8. तो 8 दे दिया. तो बाकी सेल में तो 18 होना चाहिए, लेकिन 18 तो आपके पास है नहीं. 10 तो आपने लिख लिया, और कितना है? 1 है. तो यही है एलिमेंट. इसी तरह कैल्शियम का क्या, सॉरी क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी पहले होगा 2, उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा 7, क्योंकि 2 और 8 कितना होता है? 10 और 7 कितना होता है? 17. एनी डाउट? सो देखो, ये गेन करके 8 बनाएगा और ये लूज करके 8 बनाएगा. तो ये एक गेन किया, इसका बैलेंस भी 1, और ये लूज करके 8 बनाया, इसका बैलेंस भी 1. लेकिन इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. क्लियर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जितना आउटर मोस्ट शेल में रहता है. क्लियर? और बैलेंस ही क्या है?
जो लेने और देने में जो होता है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। समझ में आया ना सबको? क्लियर है क्या? अभी आइसोटोप। अच्छा उससे पहले और इस चीज को और थोड़ा सा डिटेल्स में बोलते हैं, थोड़ा सबको क्लियर हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को लेके और थोड़ा सा बोलते हैं ताकि सबको क्लियर हो। जैसे कि सोचो हमारे पास इनर्ट गैस है टोटल 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम का जो है हम लोग टोटल 118 एलिमेंट्स है अब तक मार्केट में। सो इनमें से ये सब जो है ना वो जन्म से स्टेबल है। मतलब व्हाट इज स्टेबल? वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए उन लोगों को स्टेबल बोला गया। इसका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देखा गया वो 2 है, इसका अरेंजमेंट है 2.8, इसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देखा गया 2.8, इसका जो देखा गया 2.8.18.8, इसका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देखा गया 2.8.18.8। उसके बाद बोला 2.8.18.35.18.8। सो इन लोगों ने जब उसका एटॉमिक अरेंजमेंट देखा तो देखा कि सबके आउटर मोस्ट सेल में एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सबका आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तब देखा ये लोग किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, तो मतलब है वो लोग इनर्ट है। इनर्ट मतलब स्टेबल है, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर है? जैसे कि सोचो मैं सोडियम को ले लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगा? पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ये तो आप लोगों को एटलीस्ट 30 तक सीखना है। हीलियम, अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, इस तरह से अब तो मिनिमम 30 तक सीखना है, और उसका विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अभी मैंने 2m² का फॉर्मूला बताया, 2m² का फॉर्मूला से आप लोग पहले इसमें हल, इसमें कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे, उसके बाद में 8, उसके बाद में 18, उसके बाद में 32। लेकिन तो उस हिसाब से देखा जाए सोडियम को क्या लगाना है? 2 लगाना है। उस हिसाब से देखा जाए तो सोडियम में कितना लगाना है? 2 लगाना है। सोडियम में कितना लगाना है? 2 लगाना है। एनी डाउट? उसके बाद पहले सेल में 2 है, सेकंड सेल में कितना होगा? 8, क्योंकि सेकंड सेल में 8 ही है, रूल में आता है। उसके बाद तो 18 होना चाहिए था, लेकिन 18 तो है नहीं उसके पास, 11 तो था। जब भी एटॉमिक नंबर बोला जाएगा तो आप प्रोटॉन नंबर भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन नंबर भी समझ सकते हो। प्रोटॉन का अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर रहते हैं? सेंटर में रहते हैं, इसीलिए प्रोटॉन का अरेंजमेंट नहीं होता। किसका अरेंजमेंट होता है? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। उसका फॉर्मूला क्या है? 2n², उस हिसाब से पहले वाले सेल में 2, उसके बाद वाले सेल में 8, उसके बाद वाले सेल में 18, उसके बाद वाले सेल में 32। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन, अरे सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? 11। यानी प्रोटॉन नंबर कितना है? 11। यानी उसका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? 11। सो चलो हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, यहां पर तो हो नहीं रहा है, ब्लैंक स्लाइड मेरे पास होगा कि नहीं? ब्लैक आ गया, ब्लैक आने से और एक मुश्किल, चलो व्हाइट ले लेते हैं कलर। तो सोचो हम लोग क्या लिया, सोचो मैं भी काला हो गया, सोचो यहां पर मैंने सोडियम लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है? सोडियम। अगर आपको एटॉमिक नंबर बोला जाता है तो आप क्या समझना? या तो वो प्रोटॉन नंबर होगा और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा, क्योंकि जैसे कि सोडियम का है 11, तो इसने सेंटर में 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11
है ना, यानी आउटर मोस्ट सेल में उसका कितना होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाले सेल में उसका कितना होना चाहिए, आठ इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। उसके बाद वाले सेल में उसका कितना होना चाहिए, 18। लेकिन उसके पास 18 है क्या, नहीं है, तो एक ही है उसके पास बचा, तो एक होगा। उसी तरह से आप तो इसको ऐसे ना बना के हर बार, इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में रहेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, 2.8.1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में उसका कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में उसका कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन थे। इसके लिए उसका वो क्या होगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वन होगा। और उसका बैलेंस ही क्या होगा, बैलेंस को बाद में आते हैं। अभी सोचो कैल्शियम, कैल्शियम में क्लोरीन, क्लोरीन का है 17। तो उसी हिसाब से पहले शेल में क्या होना चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इतना ही। तो पहले शेल में उसका कितना होना चाहिए, दो। उसके बाद वाले शेल में कितना होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद वाले शेल में कितना होना चाहिए, 18, 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 18
पांच छह सात, इस तरह से ना लिख के हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 2, 8, 7। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में आउटर मोस्ट सेल में जितना होगा, आउटर मोस्ट सेल में जितना होगा वो होता है बैलेंसी, अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी जो है ना, ये बंदे का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बंदे का भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, अरे एटॉम्स है, वो सारे के सारे चाहते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 बनाए या तो 8 बनाए, या तो वो डुप्लेट की तरह बिहेव करे या तो ऑक्टेट बनाए। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन इसमें तो नहीं है, उन लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मुझे तो आउटर मोस्ट सेल में 8 बनाना है, 8 बनाना है, 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए या तो वो लूज करेगा या तो वो गेन करेगा। तो ये 7 छोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, 1 गेन कर लेते हैं। 1 गेन करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो अभी देखो 2, 8, 8, हीलियम का क्या था 2, नियॉन का क्या था 2, 8, 2, 8, आर्गन का क्या था 2, 8, 8, आर्गन का क्या था 2, 8, 8, 2, 8, 8, 8 था। यस और नॉट, समझ में आया क्या? सो ये जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आर्गन की तरह वो इनर्ट गैस आर्गन की तरह बिहेव करता है। कोई ना कोई एलिमेंट्स, हर कोई ना कोई इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा 6 में से 1। जब भी वो आउटर मोस्ट सेल में 8 बना देगा वो स्टेबल बन गए, वो इनर्ट बन गए। यानी जब तक वो लूज और गेन नहीं कर रहा था तब वो अनस्टेबल था। यस और नॉट? यस सर। और जब ये लूज या गेन करके आउटर मोस्ट सेल में 8 बना लिया वो स्टेबल बन गया। एनी डाउट? नो सर। अनस्टेबल का मतलब है वो बहुत एक्टिव था। क्या था? एक्टिव था, और ये स्टेबल इनएक्टिव था, इनएक्टिव था। एनी डाउट? यानी वो अनस्टेबल था लेकिन एक्टिव था। अनस्टेबल मतलब स्थिर नहीं है, कुछ ना कुछ करने को जी चाह रहा है, मतलब वो बहुत एक्टिव इंसान है। और ये अभी तो छोड़ दिया बेचारा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी वो स्टेबल हो गया। मैं एक सुंदर सा एग्जांपल हर लोगों को देता हूं, अभी भी दे देता हूं। जैसे एक शादीशुदा इंसान, वो उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो अभी स्टेबल हो जाएगा। सामने जितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो वो चांस नहीं मार सकता। लेकिन आप लोग क्या हो, आप लोग सारे के सारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी जो भी इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको या तो गेन करना चाहते हो या तो लूज करना चाहते हो, यानी स्टेबल बनना चाहते हो। यस और नॉट? सो उसी तरह सा इस पूरा यूनिवर्स में अब तक जितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, इनमें से 6 को छोड़ के बाकी सब के सब अनस्टेबल है, यानी आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 नहीं है या तो 2 नहीं है। ये वो लोग वो 6 की तरह काम करना चाहते हैं, यानी शादी करना चाहते हैं। वो शादी या तो इलेक्ट्रॉन लेके करेगा या तो लेके करेगा, यानी वो घर जमाए जाएगा या तो नहीं पत्नी को लाएगा, कुछ ना कुछ होगा। समझ में आया ना?
अच्छा अभी देखो तो सर इसी ड्रॉइंग से समझाते हैं, अगर वो स्टेबल था मतलब वो आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब ये अनस्टेबल होता है, सॉरी जब अनस्टेबल था तब वो आयन में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों आयन में कन्वर्ट नहीं होता? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितना है 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 17 है, सो दोनों दोनों कट कट, तो आयन में कैसे होगा। लेकिन जब वो एक छोड़ दिया बेचारा क्या बन गया 2.8 बन गया, यानी वो अभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नियन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल 10 हो गया, ये 17 नहीं है सॉरी ये 11 है और ये भी 11 है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन हो गया 10 लेकिन प्रोटॉन तो 11 है ना, तो कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? प्रोटॉन। नहीं समझा, सोचो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटर मोस्ट सेल में 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 18 तो नहीं होता ना, तो हम लोग सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, 11 एक दे दो, तो वो क्या करेगा, 7 लेके 8 बनाएगा या 1 छोड़ने में अच्छा होगा, कौन सा होगा, 1 छोड़ दिया, तो उसके अभी इसके पास क्या था, अभी उसका एलिमेंट 2.8.1 होता, उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बाद वो उसके सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही होता है, 1 2 उसके बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद वाले में तो होता था लेकिन ये बंदा छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अभी उसके सेंटर में 11 था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन में भी टोटल 11 है, लेकिन अभी उसके इसमें 11 है लेकिन ये आउटर मोस्ट इसमें 2 में 1 छोड़ के वो 1 2 3 4 5 8 बना लिया, यानी 2.8 हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10, यानी प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 10। अभी वो क्या बना, अभी वो स्टेबल बन गया, इनर्ट गैस की तरह, इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है, उसके बाद इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है और वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ये समझना, लेकिन वो आयन में कन्वर्ट हो गया, कौन जीत रहा है, प्रोटॉन, कितने में जीत रहा है, एक यानी सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो ये है एलिमेंट्स और ये है आयन, समझ में आया। सो आयन कैसे बनते हैं, या तो लूज करके या तो गेयर, तो ये तो था एक एग्जांपल, दूसरा और एक ले लेते हैं, जैसे कि सोचो क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 17, वो क्या करेगा 2.8.7, तो उस हिसाब से वो एक लेगा, तो लेने से क्या होगा 2, यहां पर प्रोटॉन भी 7 है 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन जब वो गेन करेगा, एक गेन करेगा, प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 बन जाएगा, क्योंकि 2.8.8 8 8 16 17 18 हो गया, तो यानी कौन जीत रहा है, इलेक्ट्रॉन जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, एक जीत रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है माइनस, इसीलिए क्लोरीन एक से जीत जाएगा, 1- हो जाएगा, यानी वो आयन में कन्वर्ट हो गया, जब आयन में कन्वर्ट हो जाते वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है और वो इनएक्टिव बन जाता है, लेकिन जो क्लोरीन है वो एक्टिव है और अनस्टेबल है, क्लियर। तो इसमें आयन और एक एलिमेंट में अगर डिफरेंस बोले आप लोगों को, आप खुद देख पाओगे क्या है, आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, सॉरी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, लेकिन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होता, आयन एक्टिव होता है और प्रोटॉन इनएक्टिव, अरे आयन सॉरी एलिमेंट इनएक्टिव होता है, एलिमेंट्स इनएक्टिव एक्टिव होता है और आयन इनएक्टिव होता है, एलिमेंट अनस्टेबल होता है, आयन स्टेबल होता है, एनी डाउट, ओके। अभी सोचो जैसे कि मैंने तो अभी आप लोगों को क्लोरीन और क्या समझाया, अभी अगर मैं कैल्शियम बोलो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बोलोगे 2 8 10 होना चाहिए ना, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में वो हिसाब है, वो हमारा जो कैलकुलेशन है वर्ड्स के हिसाब से 2n² में, तो देखेंगे 2 × 1² मतलब पहले शेल नंबर 2, 2 × 2² मतलब 8, 2 × 3² मतलब 18, तो उसमें तो 18 10 तो दे ही सकते हैं ना, लेकिन और एक रूल है, आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता,
तो इसके आउटमेट सेल में कितना हो गया, 10 हो गया ना, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट गलत है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और जब ये करेगा तो सर 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं वो 7 कर देते और 3 कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब ये तोड़ेगा तो देखेगा लास्ट स्टेबल नंबर क्या था, 8। लास्ट स्टेप समझ में आ रहा है तो? यस सर। ये करेक्ट था ना ये वाला सीक्वेंस, ये करेक्ट था किंतु, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल है आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए वो लास्ट वाला देखेगा। क्या देखेगा? लास्ट वाला देखेगा। तो लास्ट वाला जब देखेगा तो लास्ट वाला क्या है, 8, तो 8 बिठा देगा और बाकी रहेगा 2। यानी 2882, ये एक्सेप्शनल लग रहा है ना, इसी तरह से बहुत आप लोगों को एक्सेप्शनल लगेगा। ये जब आयन बनेगा वो क्या करेगा, 6 लेगा या 2 छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा। तो 2 छोड़ देगा मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, माइनस कम हो रहा है, तो कौन जीत रहा है, कितने में जीत रहा है, 2। यानी कैल्शियम 2 प्लस हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? इस तरह से आयन बन सकता है सर। ये तो ऐसे भी हीलियम की तरह बिहेव करता है ना, लास्ट में 2 है। नहीं, ये तो एक एक्सेप्शनल है, हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, जो आउटर मोस्ट सेल में 2 होगा तो वो करेगा, ये हाइड्रोजन ही उसके बराबर हो सकते हैं, बाकी और नहीं होता। क्लियर? ये एक्सेप्शनल है हीलियम। ओके, उसके बाद क्या जानी, सोचो आप पोटेशियम लिया, क्या है 19 है, तो क्या करोगे, 2 8 9 लिख दो, नहीं होगा। क्या होगा, 2 8 6 और 3 लिख दो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या है, 2 8 लास्ट वाले सेल में जितना होगा वो लेकर उसके बाद, सो ये क्या करेगा, एक छोड़ेगा, 4 से कम होगा तो छोड़ेगा, 4 से ज्यादा होगा तो लेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये क्या बनेगा, जो छोड़ेगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, जो लेगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा। समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर बोल सकता हूँ, पत्नी को लाओगे तो खुद ने भी नेगेटिव बन जाओगे, इलेक्ट्रॉन पत्नी एक इलेक्ट्रॉन है, जितना लाओगे उतना नेगेटिव बनते जाओगे, और खुद घर जमाए चले जाओगे तो उतना पॉजिटिव बनोगे, याद रखने की सुविधा। चलो समझ में आया नहीं? चलो अभी हम लोग देखते हैं ये कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म कैसे करते हैं। जैसे कि देखो सोडियम का कितना है, अच्छा डॉट स्ट्रक्चर अगर बोला जाए ना, तो एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जैसे कि सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर 281 है ना, तो डॉट स्ट्रक्चर जब भी बोलेंगे तब हम लोग सिर्फ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पे जोड़ डालेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ये क्लोरीन का क्या है, 287, तो 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट वाले, बाकी को नहीं लिखेंगे। समझ में आया? ये है डॉट स्ट्रक्चर। ये एक को क्या करेगा, छोड़ देगा, ये ले लिया बंदा खुश, ये 8 बन गया, ये छोड़ के 8 बन गया, तो ये हो गया एन प्लस, ये हो गया सीएल माइनस, वो दोनों मिलके बन गया NaCl। इस तरह से जो लेने देने में जो कंपाउंड बनते हैं उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, क्या आयोनिक कंपाउंड, समझ में आया क्या, आयोनिक कंपाउंड, लेने देने में जो कंपाउंड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। एनी डाउट? लेकिन सर कंपाउंड में तो एक ही तरीके का एलिमेंट होता है क्या, ये कंपाउंड नहीं है क्या सोडियम क्लोराइड, ये एक तरह का है क्या? तो जैसे कि सोचो वाटर बना, कैसे बनते थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का है 8, उसको तोड़ोगे तो 2 6, आउटर मोस्ट सेल में कितना है 6, तो 6 के ऊपर जोड़ डालोगे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो वो बंदा क्या करेगा, देखो वो यहां से हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन में कितना है 1, ये हाइड्रोजन सोचो उसको छोड़ दिया तो उसके खुद के पास क्या रहेगा, कुछ नहीं, ये प्रोसीजर भी नहीं है ना, तो क्या करेगा, ये क्या होगा, शेयर करेगा, शेयर उससे 2 ले लेगा, ये उससे 1 ले लिया, लेकिन उसके पास क्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, उसका लेके भी 7 हुआ, तो दूसरा और एक हाइड्रोजन को बुलाएगा, वो आएगा, वो इससे 1 शेयर कर लेगा, और वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, 2 पूरे को आराम से शेयर कर लिया, कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्लियर? सो ये भी खुश, ये भी खुश, तो हाई ऑक्सीजन H, समझ में आया क्या, इसीलिए H2O ऐसे आया, समझ में आया?
उसी तरह से एक सुंदर सा एग्जांपल मैं दे सकता हूं आप लोगों को, जैसे कि Fe2O3 मैं दिया था क्या? यस, ये एग्जांपल दिया था। तो Fe का पता है क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में तीन होता है, एक दो तीन। ऑक्सीजन का होता है छह, एक दो तीन चार पांच छह। ये फटाक से दो दे दिया, अभी ये रो रहा है मेरा क्या होगा। ये रोना उसको सुनने को मिला। वो बोलते चिंता मत कर, मैं मेरे एक भाई को बुलाता हूँ, एक दो तीन चार पांच छ। वो आया फटक से, वो दे दिया एक, समझ में आया? अभी ये खुश है बंदा, अभी ये रो रहा है मेरा क्या होगा। अभी ये इसको सुनाई दिया, बोलते तेरे लिए मैं मेरे भाई को बुलाया और तू जो इतना रुला रहा है, तो चिंता मत कर मैं और एक भाई को बुला रहा हूं। ये भी आते वक्त तीन लेके आएगा, आने के साथ साथ वो एक ले लिया। अभी ये खुश है बंदा, डांस कर रहा है, आठ हो गया। लेकिन ये बंदा रो रहा है कि मैं क्या करूंगा। ये इसको खबर पहुंचा, ये इसको बोला ठीक है, ये लेके आ गया और एक दो तीन चार पांच छह, आने के साथ साथ ये दो ले लिया। अभी सारे बंदे एक साथ डांस कर रहे हैं और ये हो गया एफ कितना लगा, टू। ओ कितना लगा, थ्री। ऐसे एक्चुअली बॉन्डिंग होता है, समझ में आया क्या? तो ये सारे के सारे जो ऐसे लेने देने में जो हुआ उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड, और होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि सोचो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना, एक दो तीन चार पांच छह, और एक ऑक्सीजन ले लो, एक दो तीन चार पांच छह, ये दो दे देगा सोचो, तो इसका आठ होगा। लेकिन इसका नहीं, तो इसीलिए क्या करते वो लोग, लेने देने में नहीं करते वो लोग, भाई हम लोग लेने देने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग शेयर में विश्वास रखते। तो देखो इसका हो गया आठ, इसका भी हो गया आठ, ये बंद हो गया ऐसे, और इसलिए O2 ऐसे रहते हैं, और इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग में होता है। क्लियर? जो शेयरिंग में होता है, क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? वीडियो को बार बार देखना होगा तो ऑब्वियसली समझ में आएगा, क्लियर? उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बाद जैसे कि सोचो किसी का भी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे कि ये आया कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, सिक्स। तो इसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगा, 2.4। ऑक्सीजन का वो क्या है, 8, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2.66। क्लियर? yes, so, दोनों दिखाएंगे एकदम, तो पूरा तोड़ तोड़ के दिखाएंगे, पूरा समझ में आएगा। देखो तो कार्बन ले लो एक, सॉरी ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का कितना है, दो तो नहीं पकड़ेंगे लास्ट में, एक दो तीन चार पांच छह, एनी डाउट? वो एक कार्बन लिया, कार्बन का कितना है, चार, एक कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन का एक, इसका ऐसे नहीं होगा, ध्यान से देखना ये सब, सोचो कार्बन है एक दो तीन चार, ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन का, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल का डॉट स्ट्रक्चर जब भी बोलेंगे तब आउटर मोस्ट सेल के लेंगे, क्लियर? अभी ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का कितना है, एक दो तीन चार पांच छह, तो ये ले लिया, ऑक्सीजन खुश हो गया, ऑक्सीजन दो उससे शेयर कर लिया, समझ में नहीं आया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, लेकिन ये एक दो तीन चार पांच छह न हुआ, ये और एक ऑक्सीजन को बुलाएगा, एक दो तीन चार पांच छह, अभी देखो ये बंदा कितना खुश, और देखो ये भी कितना खुश, समझ में आया क्या? yes, तो क्या हुआ देखो, ये सी डबल बन ओ डबल बन ओ, ये हो गया CO2, ये तो हो गया एक फॉर्मूला, सी कितना लगा एक, ऑक्सीजन कितना लगा दो, डबल बन का मतलब एक बन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक बन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक बन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक बन का मतलब, समझ में आया? अरे ये फॉर्मूला पे जाते हैं, इसका बैलेंस ही कितना है बोलो, फोर, क्योंकि वो छोड़ेगा भी फोर, लेगा भी फोर, शेयरिंग करेगा भी फोर, समझ में आया क्या? तो इसका बैलेंस ही कितना है, देखो इधर से वो दो शेयर किया, इधर से वो दो शेयर करेगा, तो इधर नहीं फोर, इसका बैलेंस ही कितना है, बैलेंस ही, किंतु बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस में बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितना रहते हैं, और बैलेंस ही मतलब जो गेन और लूज में, तो वो कितना लूज करेगा, चार, लूज या गेन चार, तो इसका बैलेंस ही कितना है, चार, इसका बैलेंस ही कितना है, टू, नहीं समझे? क्योंकि दो वो लेगा, मैंने बोला चार से ज्यादा होने से लेगा, क्लियर? अभी देखो
जब भी फॉर्मूला बनाते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, तो बैलेंसी क्रॉस होता है, बैलेंसी क्रॉस आता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का लिखो, ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना है भाई, देखो ना ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना है, टू। कार्बन के जगह पर लिखो, और कार्बन का बैलेंसी कितना है, वो ऑक्सीजन की जगह पर लिखो, वो क्रॉस होता है, रूल है ये, रूल। तो एक्चुअल फॉर्मूला किंतु C2O4, लेकिन समझ में आया क्या कैसे CO2 आया, ये सब कराया है, समझ में आया कैसे CO2 आया, तुमको नया नया लग रहा है क्योंकि तुम पहले क्लास के नहीं, शायद समझ में आया क्या, इंटरेस्ट लग रहा है। सो इस तरह सा बनते हैं फॉर्मूला, क्लियर। या तो आप बैलेंसी को क्रॉस करके बना सकते हो, इस तरह सा डॉट स्ट्रक्चर करके बना सकते हो, दिस इज द कॉन्सेप्शन, इन आर कॉन्सेप्शन। सो ऐसे बनते हैं व्हाट फॉर्मूला। सो हम लोगों को बैलेंस ही याद रखना जरूरी होगा, जैसे कि बोलो SO4, SO4 का वो होता है बैलेंसी होता है 2, तो H2SO4 क्यों, SO4 एक मॉलिक्यूल है, वो खुद ग्रुप बना के काम करते हैं, तो SO4 का बैलेंसी कितना है 2, वो चले गए इधर, हाइड्रोजन का बैलेंसी है 1, लिखो या ना लिखो कुछ आता जाता नहीं है, फॉर्मूला वाला H2SO4, समझ में है क्या। ZN का वैलेंसी होता है 2, SO4 का भी वैलेंसी होता है 2, तो ZN SO4 इधर भी 2 लिखो, इधर भी 2 लिखो, 2 कैंसिल, इसीलिए होता है ZNO4, समझ में आया क्या, बैलेंसी क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे वैलेंसी आप लोगों को याद करना है, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसके बाद सोडियम, जैसे कि कैल्शियम का बैलेंसी कितना होता है 2, मैग्नीशियम का बैलेंसी कितना होता है 2। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, MgSO4, क्यों बोलो तो, क्योंकि मैग्नीशियम का भी 2 इधर जाएगा और SO4 का भी 2 इधर आएगा, कटाकटी हो जाएगा MgSO4, समझ में आ रहा है क्या। सो ये सब रिवीजन की बात है। अभी देखो सेंटर में क्या रहा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और लास्ट में रहते इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग एटॉमिक मास अगर बोलेंगे तो होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्लियर, यही याद रखना। जैसे कि सोचो सोडियम का है 23 एंड 11, सो उसका न्यूट्रॉन कैसे बाहर करोगे, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर, या तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, समझ में आ रहा है क्या। इस तरह से आप लोग सब बार कर पाओगे। उसके बाद आता है एक चीज, आता है आइसोटोप। चलो हम लोग आइसोटोप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, क्या होता है आइसोटोप, क्लियर। एक बार जान लेते हैं आइसोटोप एंड आइसोबार, इन योर सिलेबस आइसोटोप एंड आइसोबार इज गिवन, अनदर थिंग्स इज नॉट, नो आइसोटोन इज नॉट देयर, सर कवर के पीछे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा लग रहा है, बोर लग रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारे चीज आप लोग एक बार नोट उठा लेना, रिवीजन दे लेना। उसके बाद देखो वी विल डिस्कस अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एलिमेंट भी सेम होना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर भी सेम होना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 है, 1, एटॉमिक नंबर भी 1, ये भी एटॉमिक नंबर 1, ये भी एटॉमिक नंबर 1, लेकिन एटॉमिक मास अलग है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा ये एटॉमिक मास अलग क्यों है, इसका ऑब्वियसली इसका न्यूट्रॉन नंबर अलग होगा, इसीलिए। मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट में हाइड्रोजन ही है, सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन अलग है। देखो ये मार्केट में मिला पहले, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने उनका नाम दिया, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया उसके बाद ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो हाइड्रोजन का क्या क्या है, वो देयर आर प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, क्या है प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम का मतलब वन, ये तो सार नीचे का तो वन ही होगा, मास अलग होगा 1, 2, 3। उसके बाद कार्बन का भी होता है, कार्बन हैज टू आइसोटोप, जो कार्बन सिक्स, एक होता है 12 और होता है 14, यानी इन दोनों के बीच में अगर माइनस करोगे तो आपको कितना रिजल्ट आएगा,
सिक्स आएगा, इन दोनों के बीच में माइनस करोगे तो आपको एट आएगा। जैसे कि क्लोरीन हैज टू आइसोटोप, दे आर क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? एटॉमिक मास अंतर है। एटॉमिक मास अंतर है मतलब एक्चुअली क्या अंतर है? न्यूट्रल नंबर है। तो आइसोटोप समझ में आया क्या? आइसोटोप क्या होता है? एक ही एलिमेंट होना पड़ेगा। देखो ये क्लोरीन है, ये सोडियम तो नहीं है ना, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप है। सो ज्यादातर हम लोग हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन और ऑक्सीजन सीख लिए से। आइसोटोप का एग्जांपल दे पाओगे सर? ऐसे कार्बन नहीं बोलने से नहीं होगा, ऐसे बोलना होगा कार्बन 612, कार्बन 614, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, हाइड्रोजन 1 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3। समझ में? और पूरे डिटेल्स के साथ किसी को भी समझाओगे ना बहुत अच्छी तरह से समझाना है। बोलेगा तो आप पहला आइसोटोप का नाम क्या है हाइड्रोजन का? प्रोटियम। दूसरा नाम का ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्रिटियम। समझ में आया? आइसो बार क्या होता है? जैसे कि आइसोटोप में क्या होता था? सेम एलिमेंट्स और उसमें एटॉमिक मास अलग होता था। आइसो बार में क्या होता है? एटॉमिक मास सेम है लेकिन एलिमेंट अलग है। मास सेम है लेकिन एलिमेंट अलग है। मास सेम है लेकिन एलिमेंट भी, सॉरी एलिमेंट भी अलग है और एटॉमिक नंबर भी अलग है। ये तो हो ही सकता है। आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, एलिमेंट अलग है। तो इसमें दो चीज अलग है, एलिमेंट भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है। एलिमेंट भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है। सेम क्या है? मास सेम है। सो दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, मतलब कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18, हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव द सेम मास नंबर 14। जैसे कि आयरन का भी है 26 27 58 58, आयरन एंड निकल, कैल्शियम एंड आर्गन। समझ में आया आइसोबार और आइसोटोन? अरे आइसोटोप। उसके बाद होता है डिफरेंस, के दे हैव सेम मास नंबर बट ये आइसोबार है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट इन आइसोबार, नंबर ऑफ प्रोटॉन बट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि दो अलग एलिमेंट्स था। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। समझ में आया क्या? यहां तक कोई दिक्कत? सो ये था हमारे आज के लेक्चर का पूरा। अगर आप लोग इसको घर में अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे ना, सो आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। एनी डाउट? तो चलो एक बार मैं सिर्फ स्लाइड्स को दिखाता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से नोट्स उठा पाओ। क्लियर सर? इसको शायद आप लोगों को याद होगा एक्सपेरिमेंट के मैंने बारे में, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा था। ये है डिस्चार्ज ट्यूब कैसे हो रहा था, ये है डिस्कवरी ऑफ, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था, उसके बाद किसका कितना चार्ज है, अच्छा मास मत सीखना है ऐसे, उसके बाद चार्ज पार्टिकल कौन सा है, डिस्कवरी क्या है, पॉज देके उठा लेना, पॉज देके उठाना, इसको तो पॉज देकर क्या उठाओगे, इसको भी थोड़ा बहुत देखना कोशिश करना। ये रदरफोर्ड मॉडल है, थॉमसन मॉडल का तोड़, रदरफोर्ड मॉडल का तोड़ दिया किसने? बोर्स मॉडल ने, बोर्स मॉडल का, दो रदरफोर्ड मॉडल्स का डिफेक्ट्स क्या है, उसके बाद बोर्स मॉडल का क्या है, के शेल में क्या रहेगा, एल शेल में कितना रहेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² का जो फॉर्मूला है, पूरा सर पॉज देके पूरा रीडिंग आप लोगों को पढ़ना है अच्छी तरह से, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पर, उसके बाद बैलेंसी क्या है और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबेयर क्या है, एंड सारे को पॉज देके आप लोग उठा लेना। आशा करता हूं ये पूरा चैप्टर आप लोगों को